नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से करियर पर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर से आ गए हैं मैं नई वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम फिर से बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जीए के बारे में। आज हमारी क्लास सिक्स है, पांच क्लासें हम ले चुके हैं और पांच के अंदर हमारे 15 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जो कि हमारे 75 क्वेश्चन हो गए टोटल में। वो हम कवर कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर। हम अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है पुरानी, आप जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है मेरे चैनल पर। ये हमारी क्लास सिक्स था, इसके अंदर हम फिर से 15 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, जो कि जीए जीएस जीके और जीएस में आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, जो अभी एग्जाम होने वाला है कुछ महीनों में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो है मिस ना हो, आप तक पहुँच जाए। डेली वीडियो आती रहती हैं रात को। मेरी एक और मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, जो कि इंग्लिश की है, बैंकिंग क्लासेस के लिए, उसकी भी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो सबसे पहली स्लाइड आपको सामने दिख रही है, किस बारे में है। आज हम स्टार्ट दोबारा से लेके आ गए हैं छठी क्लास दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जीके जीएस की। सामने करियर का आपको लोगो दिख रहा है हमारे चैनल का। क्लास सिक्स है आज की। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच इंडियन स्टेट इज़ दी होम टू द ताजमहल। ताजमहल जो है कौन सी स्टेट में है? तो यूपी में है, यूपी के आगरा में ताजमहल सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सुदर्शन लेक रिपेयर्ड सेकंड टाइम अंडर द रीन ऑफ किसके शासन में सुदर्शन लेक दोबारा रिपेयर करी गई थी, दोबारा बनाया गया था उसको। तो ये था स्कंदगुप्त के शासन में सुदर्शन लेक दोबारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर हैड हायर नंबर ऑफ हिंदूज एज मनसबदार दैन मुस्लिम अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से मुगल रूलर के अपने उसके किंगडम में हिंदू जो हैं वो ज़्यादा उसके मनसबदार से एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम? तो ये था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के शासन में, औरंगज़ेब के किंगडम में मुगल जो रूलर था उसमें मनसबदार हिंदू ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम। अगला हम बात करते हैं, शैफी लैम्फी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक है, एक फैब्रिक है, ये जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कौन सी स्टेट से है ये? तो ये हमारा है ये है हमारा मणिपुर से, नागालैंड से नहीं, मणिपुर से है ये शैफी लैनफी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पुली बर्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, और ये नेचुरल हैबिटेट है ग्रे बेली ट्रैगोपन का। ठीक है, ग्रे बेली ट्रैगोपन की ये हमारा हैबिटेट है, जो कि पुली बद्रे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कौन सी स्टेट में है? तो ये कौन दोस्तों, नागालैंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? तो ये है नॉर्मन बोरलॉग को। अगला क्वेश्चन, अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? राज्यसभा। और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? लोकसभा। इसको कहेंगे हम लोअर, LO। थोड़ा राइटिंग अभी ख़राब आएगी क्योंकि हमने नया नया सीखा है इसमें लिखना। ठीक है, लोअर हाउस को लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज़ नॉट द मेम्बर ऑफ दैट हाउस। कौन सा हाउस है, अपर हाउस या लोअर हाउस या राज्यसभा या लोकसभा, जिसका जो चेयरपर्सन होता है वो मेम्बर नहीं होता उस हाउस का? तो इसका आंसर है राज्यसभा। पिछले बारे का भी आंसर राज्यसभा था, ये भी राज्यसभा है, इसका चेयरपर्सन जो है हाउस का मेम्बर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वर हेल्ड इन। सबसे पहले जो मिड टर्म इलेक्शन थे लोकसभा के, कब हुए थे? 1971 में हुए थे सबसे पहले मिड टर्म इलेक्शन लोकसभा के लिए। 10th क्वेश्चन है, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। जो फाइनेंस बिल है कौन सी हाउस में प्रेजेंट किया जाता है? तो ये दोस्तों लोअर हाउस में प्रेजेंट करा जाता है, जो कि फाइनेंस बिल है। लोअर हाउस मतलब आपका हो गया लोकसभा, और अपर हाउस मतलब हो गया राज्यसभा। मैंने आपको पढ़ा दिया ये बात। तो फाइनेंस बिल जो है वो कहाँ पे है? वो लोअर हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों सेशन जो है ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर दो, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बनती रहे नई वीडियो लाने के लिए। ये जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब लाइक शेयर का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज। चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा को कहते हैं चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज़ ओनली वन मेंबर एज अ लोकसभा। कौन सी स्टेट है जिसकी लोकसभा में सिर्फ एक ही मेंबर है? तो ये है सिक्किम। इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है लोकसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। सबसे पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट की बनी थी? तो ये बनी थी यूपी की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। करंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद, जो अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी ट्रांसफर कर दो किसी भी केस को, वो कौन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन यही थे, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। राइट टू ट्रांसफर किसके पास है? राइट सुप्रीम कोर्ट के पास। गवर्नर का जम्मू कश्मीर का कौन अपॉइंट करता है? प्रेजिडेंट। अपना फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट की थी? उत्तर प्रदेश की। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सिर्फ एक मेंबर है लोकसभा का, वो है सिक्किम। चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा डेजिग्नेटेड है, चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा को क्या कहते हैं हम? स्पीकर। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन लोअर हाउस, हमारे लोकसभा में। फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन कब हुए थे? 1971 में। अब कौन से हाउस को जो चेयरपर्सन है उसको मेंबर नहीं होता वो हाउस का, वो राज्यसभा। अपर हाउस किसे कहते हैं? इसको भी राज्यसभा को कहते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे नॉर्मन बोरलॉग। पुली बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें ग्रे बेली ट्रैगोपैन की है नेचुरल हैबिटेट है, कहाँ पे है? नागालैंड में। शैफी लैम्फी जी आई प्रोडक्ट कौन सी स्टेट का है? मणिपुर। और फैब्रिक है कि कौन से मुगल रूलर के शासन में, उसके किंगडम में मनसबदार जो थे हिंदू थे, मुस्लिम से मुस्लिम कम थे हिंदू ज़्यादा थे? औरंगजेब में। सुदर्शन लेक रिपेयर करी गई सेकंड टाइम किसके रीन के अंडर? स्कंदगुप्त के अंदर। विच स्टेट इज़ अ होम टू ताजमहल? ताजमहल का कौन सी स्टेट में है? यूपी में। तो दोस्तों आज का सेशन आपके सामने पूरा मैं दिखा दिया आपको, 15 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। आज हमारी छठी क्लास थी, 5 क्लास ज़्यादा पहले मैं ले चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ अगर आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आप तक पहुँचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।